झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। चावल की कीमतों में वृद्धि का रुझान बरकरार है। असामान्य मॉनसून की वजह से बुआई में कमी की वजह से उत्पादन घटने की आशंका से आने वाले दिनों में दाम और बढ़ सकते हैं। ऐसे में चावल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार गेहूं और चीनी की तरह चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। हालांकि सरकार की दलील है कि देश में चावल का भरपूर स्टॉक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5 अगस्त को चावल की अधिकतम कीमत 58 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई। जून और जुलाई महीने में चावल के दाम में 30% तक बढ़त देखी गई। दरअसल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित कई राज्य में बारिश की कमी के कारण धान की बुआई में 13% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बुआई में कमी आई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि धान का उत्पादन कम होने से महंगाई बढ़ेगी। भारत करीब 40% चावल निर्यात करता है। ऐसे में उत्पादन कम होता है तो घरेलू मांग को पूरी तरह के लिए सरकार चावल के निर्यात पर पाबंदी लगा सकती है। इससे पहले भी सरकार चावल के निर्यात पर पाबंदी लगा चुकी है। वर्ष 2008 में महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी और ये प्रतिबंध 2010 तक लागू रहा था। पिछले कुछ वर्षों में चावल का निर्यात बढ़ा है। वर्ष 2021-22 में विश्व के करीब 150 से अधिक देशों को चावल निर्यात किया गया। इनमें से बता दें कि लगभग 75 से ज्यादा देशों को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निर्यात किया गया था। बांग्लादेश अमूमन भारतीय चावल का ग्राहक नहीं है, पर इस साल बांग्लादेश में चावल की मांग है। इसके लिए बांग्लादेश सरकार ने चावल पर आयात शुल्क भी घटा दिया है। इससे भी भारतीय बाजार में चावल की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।